Uh, उससे अमीनो एसिड से प्रोटीन I mean, बन रहे डी एन ए विच इज पॉली न्यूक्लियोटाइड आर एन एल्सो पॉलि न्यूक्लियोटाइड ये अपन ने देखा है ऑलरेडी ओके सेलुलोज और ये सारी चीज़ें चीजें दीज आर ऑल पॉलीमर्स इज सेलुलोज सेलुलोजार्च ग्लाइक्रोजन दिस आर ऑल पॉलीमर्स ये अपन ने ऑलरेडी देखा है ओके okay? तो ये बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं इनको अपन बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है बड़ा मॉलिक्यूल ओके दे आर बिल्ट बाय रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स ओके फॉर एग्जाम्पल ऑइल्स टार्स रेजेंस गम्स ये क्या है पॉलीमर्स है ओके okay? इनसे अपने को बना सकते हैं अपन इनसे और ज़्यादा पॉलीमर बना सकते हैं या वी कैन यूज दिस बेसिकली एज अ पॉलीमरिक थिंग ओके इट स्टार्टेड विथ चार्ल्स गुडियर तुमने शायद से सुना था गुडियर टायर ओके okay? uh, आज ये बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है बट आई वॉज ग्रोइंग अप गुडियर ईयर वॉज द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ टायर्स ओके आज अभी काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स आके हैं बहुत अच्छे अच्छे सो आई डोंट नो ओके मे बी मैनेजमेंट में कुछ इश्यू होगा बट देर इज अ ब्रांड देर इज अ टायर कॉल्ड एज गुड ईयर टायर अभी भी मिलता है बट फ्यू ईयर्स बैक वॉज अ बिग ब्रांड ओके सो इट वॉज़ इन एटीन थर्टी चार्ल्स गुड ईयर ही डेड समथिंग अमेजिंग ही टुक द नेचुरल रबर और उसको प्रोसेस किया और जो रबर आज अपने को मिलता है वो मिला ठीक है प्रोसेस करके नेचुरल रबर में कुछ खास रबर लाइक -like प्रॉपर्टी नहीं होती उसको प्रोसेस करना पड़ता है इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं वल्कनाइजेशन तो उसने वल्कनाइजेशन का प्रोसेस किया ही गॉट द रबर और उसको फिर कमर्शलाइज़ किया बिकेमो मल्टा मिलीनियर गाय चार्ल्स गुड ईयर ये कंपनी उसने फॉर्म किया था उसके बाद ओके टुडे वी हैव पॉलीमर्स इन द फील्ड्स ऑफ क्लोथ्स कुकिंग स्टोरेज इसमें अपन यूज़ करते हैं क्लोथ में जैसे अपन टर्लिन यूज़ करते हैं ओके कॉटन इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज रिमेंबर दैट इट्स अ है ना कुकिंग अपन टेफलॉन नॉन स्टिक कुकवेयर जो होता है उसके ऊपर जो कोटिंग होती है टेफलॉन कोटिंग ओके दैट इज ऑल्सो पॉलीमर स्टोरेज में अपन पॉलीथीन यूज़ करते हैं पॉलीथीन तो अपने को मालूम ही है पी जो प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं ओके पॉलीथीन टर्थरेट करके होता है दैट इज बेसिकली पेट बॉटल्स अपने जो वाटर बॉटल्स होते हैं प्लास्टिक वाले दीज आर पेट बॉटल्स क्लियर है तो इस तरह के पॉलीमर्स अपन डेली लाइफ में यूज़ करते ही है कुछ डेफिनेशंस देख लो जैसे मोनोमर मोनोमर क्या होता है सिंगल यूनिट ऑफ द पॉलीमर पॉलीमराइजेशन क्या होता है इट इज़ अ प्रोसेस जिससे अपन मोनोमर को लिंक कर रहे हैं पॉलीमर बना रहे इसको अपन बोल रहे हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होमोपॉलीमर होता है इसमें होता है कि जैसे एक ही टाइप का मोनोमर मोनोमर है समझ में आया ना तो जो मोनोमर अपन यूज कर रहे हैं दैट इज बेसिकली सिंगल टाइप जैसे फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज सेलुलोज में इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज तो ये क्या हो गया होमोपॉलीमर स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर है इट इज़ अ होमोपोलिमर बराबर है लेकिन इफ़ यू टेक फॉर एग्जाम्पल डी क्या डी एन ए है नहीं डी में वी हैव अलग अलग यूनिट्स रिमेंबर दैट ओके डी एन ए इज ऑफ फॉस्फेट ओके इसमें फॉस्फेट होता है शुगर होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है ओके okay? इन तीनों को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो रहा है तो डी क्या हो गया फिर कोपोलीमर ओके okay? इसको बोलते हैं अपन कोपोलीमर या मिक्स पॉलीमर इसमें यूनिट तो बन रहा है लेकिन ये यूनिट सिंपल यूनिट नहीं है इट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स यूनिट इसमें अलग अलग चीज़ें अपन ने मिक्स करके ये यूनिट बनाया है तो इसको अपन बोलते हैं कोपोलीमर या मिक्स्ड पॉलीमर ठीक है तो दो टाइप के होते हैं होमोपॉलीमर एंड कोपोलीमर ध्यान में रखना है उसके बाद देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है क्लासिफिकेशन के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछते हैं तुमको तो ध्यान में रखना पड़ता है कौन सा पॉलीमर किस क्लासिफिकेशन में आता है ओके okay? किस टाइप का पॉलीमर है सो so, इसको अपन अलग अलग तरह से क्लासिफाई करते हैं जैसे बेस्ड अपॉन द सोर्स नेचुरल है सिंथेटिक है ये आसान है बताना ठीक है नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर या सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बताना बड़ा आसान सा चीज़ है स्ट्रक्चर के हिसाब से ये तुमको ध्यान में रखना पड़ता है कि लीनियर है नॉन लीनियर है रोप लाइक -like है किस तरह का है ब्रांचड है किस तरह की किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से इसको क्लासीफाई किया जाता है क्योंकि स्ट्रक्चर से इसकी प्रॉपर्टी बनती है ना तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ओके okay? एंड देन वी हैव फोर्सेस होल्डिंग देम टुगेदर अलग अलग फोर्सेस ये अपन इनको बांध के रखते तो कौन से फोर्सेस है जिसकी वजह से ये है और राइट right. और ये फोर्सेस की वजह से भी इनकी प्रॉपर्टी डिसाइड होती है इसलिए ये भी क्लासिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है तो अपन अब ये क्लासिफिकेशन के हिसाब से पॉलीमर्स को डिस्कस करेंगे सो so, सबसे पहला है नेचुरल पॉलीमर ठीक है सोर्स के हिसाब से तो ये नेचुरल पॉलीमर सिंथेटिक एंड फिर देर इज गमी सिंथेटिका सो नेचुरल पॉलीमर क्या होता है जो नेचर से अपने को मिलते हैं स्टार सेलोस प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड रबर ओके नेचुरल रबर जो होता है इज आर ऑल नेचुरल पॉलीमर नेचर से अपने को मिलता है जैसे कि वैसे दिन में सिंथेटिक पॉलीमर जो अपन लेबोरेटरी में बनाते हैं जैसे कि पॉलीथिन हो गया पी हो गया नालॉन हो गया सिंथेटिक रबर हो गया ऑल दीज आर सिंथेटिक रबर भी बनता है या ओके सो दैट इज़ बेसिकली असेंथेटिक पॉलीमर इनको अपन अपने केमिकल से बनाते हैं केमिकल्स आर यूज्ड एज मोनोमरिक यूनिट इनको अपन पॉलीमराइज करवाते हैं तो ये रिएक्शंस जब देखेंगे तब पता चल जाएगा तुमको और थर्ड होता थार है सेमी सिंथेटिक मतलब कोई सब्सटेंस है नेचर से लिया उसको मॉडिफाई कर दिया केमिकली समझ में आया ना जैसे फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज ले लो ओके सेलुलोज डायासीटेट तो सेलुलोज लेते हैं उसको अपन एसिटिलेशन करते हैं तो वी गेट सेलुलोज डायासीटेट ये आर्टिफिशियल सेमी सिंथेटिक हो गया ठीक है उसी तरह से वल्कनाइज रबर नेचुरल रबर लेते हैं और उसको वल्कनाइज करते हैं तो वी गेट वलकनाइज रबर समझ में आया सिंथेटिक नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक इस तरह की ये क्लासिफिकेशन है बड़ा आसान सा क्लासिफिकेशन स्कीम है सो so नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन अपन देख रहे हैं दैट इज बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर ठीक है जैसे लीनियर पॉलीमर है या ब्रांच पॉलीमर है ठीक है सो लीनियर पॉलीमर कैसा रहेगा एंड टू एंड कनेक्टेड रहेगा नो no ब्रांचिंग ये तो अपने को मालूम ही है इसके वजह से क्या होता linear polymer है लीनियर पॉलीमर -like है थ्रेड लाइक है बेसिकली तो यूनिफॉर्म पैकिंग मिलेगा एंड इनके वजह से इनमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगा ठीक है तो फिजिक्स से तुमको मालूम ही है व्हाट द टेंसाइल स्ट्रेंथ इज़ ओके सो ये यूनिफॉर्म पैकिंग रहने की वजह से लीनियर रहने की वजह से दे पैक वेरी नाइसली ठीक है ना तो तुमको ये मालूम होगा ना वेंडर वेंडरवाल्स फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं लीनियर चीज़ों में ब्रांच चीज़ों में सो अपने ये भी देखा है कि लीनियर इसमें क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट जैसे मेल्टिंग पॉइंट फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा होता है लीनियर इसमें और जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है तो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है इट ये अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा था सो वही प्रिंसिपल यहाँ पे आ रहा है रहने की वजह से टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ेगा ओके एग्जाम्पल्स है नाइलॉन पी वी सी नायलॉन देखो रोप होता है बेसिकली नायलॉन का याद है ना हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ओके तो ये लीनियर पॉलीमर हो गया पी वी सी हो गया पॉलिसटर्स हो गया ओके okay? पॉलिस्टर्स के कपड़े बनते हैं रिमेंबर काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें बनती है पॉलिस्टर की बैग्स बनती है ओके सो कपड़े आजकल तो कपड़े बंद हो गए बेसिकली हमारे वक्त थे ओके okay? अभी थोड़े से कम हो गए या बंद हो गए यू कैन से बट काफ़ी सारी चीज़ें पॉलिसटर की बनती है ओके दिज आर आल्सो लीनियर पॉलीमर तो जैसे बैग बन रहे तो यू कैन सी द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द बैग ओके दैट इज़ बेसिकली पॉलिस्टर इसके धग्गे बनते हैं पॉलिस्टर के ओके देन यू यहाँ ब्रांच पॉलीमर ब्रांच पॉलीमर इसमें कहीं ना कहीं ब्रांचेस होते हैं साइड ब्रांचेस आते हैं ओके और साइड ब्रांचेस के होते वजह से क्या होगा अन यूनिफॉर्म पैकिंग रहेगा अन यूनिफॉर्म पैकिंग की वजह से क्या होगा लो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगा ठीक है ठीके? तो एग्जाम्पल्स देख लो लो डेंसिटी पॉलीथीन ओके स्टार्च फॉर एग्जाम्पल लो डेंसिटी पॉली थी अपन पैकिंग के लिए ही यूज़ करते हैं बेसिकली या कैरी बैग की जैसा यूज़ करते हैं इसको ओके स्टार्च विच इज़ ऑल्सो ब्रांच रिमेंबर इसकी वजह से ये सॉफ्ट रहता है तो ब्रांचिंग की वजह से ये जनरली क्या होता है थोड़े से सॉफ्ट रहते हैं द नेक्स्ट इज क्रॉस लिंक पॉलीमर ठीक है क्रॉस लिंक पॉलीमर इसमें वन पॉलीमर यूनिट इज लिंक विद अनदर यूनिट वाई आर क्रॉस लिंक मतलब ये इस तरह का लीनियर पॉलीमर है एंड दे आर क्रॉस लिंक इस तरह से ओके okay, इस तरह से क्रॉस लिंक रहेंगे सो इसको बंद बोल रहे क्रॉस लिंक पॉलीमर ठीक है दिज आर नॉट ब्रांचेस ध्यान में रखना ओके दिज आर क्रॉस लिंक्ड सो ये नेचुरली होता है प्रोटीन में जैसे इफ़ यू रिमेंबर सल्फाइड ब्रिजेस जो बनते हैं ओके सिस्टीन या अमीनो एसिड होता है सिस्टीन के वजह से यू गेट दिस सल्फाइड ब्रिजेस ओके तो दीज आर नेचुरली अकर इन प्रोटीन ओके दे आर ऑल्सो डन इन प्रोसेसेस लाइक क्यूरिंग जो करते हैं अपन जैसे रबर लेते हैं रबर को अपन प्रोसेस करते हैं मैं तुमको दिखा देता हूँ बेसिकली तो इसको अपन बोलते हैं क्यूरिंग प्रोसेस दिस इज हाउ इट इज डन जो नेचुरल रबर होता है दैट इज़ अ पॉलीमर ऑफ पोलियइसोप्रीम ठीक है ना दिस इज नेचुरल रबर ओके ये पॉली आइसोप्रीम इसको अपन आइसोप्रीन यूनिट बोलते हैं बेसिकली दिस इज नथिंग बट अ ब्यूटिन यूनिट सो ये आइसोप्रीन यूनिट इस तरह से होता है ठीक है ठीक है टू मिथल ब्यूटर ओके टू मिथल वन थ्री ब्यूटर इसको अपन बोलते हैं कॉमनली आइसोप्रीन क्या बोलते हैं आइसोप्रीन ठीक है isoprene, इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो यू गेट अ नेचुरल रबर जिसको अपन पॉली आइसोप्रीन बोलते हैं लेकिन इट डजेंट है वेरी गुड प्रॉपर्टीज ये अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे फिर से डजेंट हैव अ वेरी गुड प्रॉपर्टीज तो ये प्रोसेस जो था तो ये चार्ल्स गुडे ने किया था इसको ट्रीट किया सल्फर के साथ क्योंकि okay, इसको हीट किया सल्फर के साथ एट हाई टेम्परेचर तो क्रॉस um, लिंक मिल गए उसको तो ये पॉली आइसोप्रीन के लिंक्स थे ठीक है ना यू कैन सी दैट दर डबल बॉन्ड्स रहने की वजह से कहीं कहीं पे सल्फर के ये क्रॉस लिंक्स बन गए ठीक है इसको बोलते हैं अपन क्रॉस लिंक पॉलीमर ठीक है सो यू गेट प्रोसेस इसको अपन बोलते हैं वल्कनाइजेशन ये जो प्रोसेस है इसको अपन बोलते हैं वल्कनाइजेशन और इसको प्रोसेस को क्यूरिंग भी बोल सकते हैं ठीक है इट्स कॉल्ड एस क्यूरिंग प्रोसेस ये इंडस्ट्रियल टर्म है क्यूरिंग प्रोसेस वल्कनाइजेशन है थोड़ा सा नो साइंटिफिक टर्म है सो so, यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं कि ये जो आ, आ, ये आइसोप्रीन यूनिट है उसका पॉलीमर है नेचुरल रबर ठीक है और इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ नहीं है जर बैड प्रोडक्ट वेरी सॉफ्ट रबर एक्चुअली बहुत जल्दी मेल्ट uh, हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट हो जाएगा लो टेम्परेचर पे हार्ड हो जाएगा इसकी ठीक इस से प्रॉपर्टी नहीं होती नेचुरल रबर की तो चार्ल्स गुडियर ने इसको ट्रीट किया सल्फर के साथ इसको हीट किया तो अपने को ये क्रॉस लिंक पॉलीमर मिला ओके यू कैन सी द क्रॉस लिंकिंग्स हियर इसको अपन बोल रहे क्रॉस लिंक वडेवर राइट बट इट्स अ इट्स अ इट्स अ वल्कनाइज रबर प्रोसेस को अपन वेलकनाइजेशन बोलते हैं और इंडस्ट्री uh, में इसको क्यूरिंग बोलते हैं इंडस्ट्री में इसको क्यूरिंग बोलते हैं और केमिकली uh, अपन बोलना है साइंटिफिकली बोलना है तो इसको वल्कनाइजेशन बोलते हैं और ये रबर होता है वल्कनाइज रबर जिससे टायर वायर बूट के सोल्स काफ़ी सारी चीज़ें इसी से बनते हैं बिकॉज दिस इज़ वेरी टफ़ और जितना ज़्यादा वल्कनाइजेशन होगा मतलब जितना ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग होगा उतना ज़्यादा टफ रबर तुमको मिलेगा नेक्स्ट जो चीज़ अपन देख रहे हैं

ठीक है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज नहीं होते इंटरमीडिएट टू वीक होते हैं ठीक है बहुत ज़्यादा वीक क्यों नहीं होंगे क्योंकि खींचेंगे तो टूट जाएगा ना एजेंटेड अब वीक फोर्सेस है तो ज़्यादा तनेगा इंटरमीडिएट है थोड़ा कम तनेगा और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स तो तनेगा ही नहीं एजेंटेड सो वी वांट फोर्सेस टू बी बिटवीन सो इंटरमीडिएट फोर्सेस थोड़ा सॉरी इंटरमीडिएट फोर्सेज जो है थोड़ा सा ज़्यादा रजिस्टेंस देगा वीक फोर्सेस कम रजिस्टेंस देगा ठीक okay? है दे में भी स्ट्रेट चेन और ब्रांच ठीक है दोनों हो सकते हैं ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल वलकनाइज रबर ओके इलास्टमर्स आर अपटेंड समाइम्स अपटेड आफ्टर वल्कनाइजेशन ऑफ द नेचुरल रबर ठीक है तो अपना जो रबर होता है बेसिकली जैसे ऑब्वियसली लाड ऑफ द रबर दैट वी मेड फ्रॉम वलकनाइजेशन प्रोसेस दे आर यूज एज इलास्टमर्स ओके कुछ तो अपने जैसे टायर वायर के लिए भी उसमें भी थोड़ा इलास्ट्रिसिटी होता ही है बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन ध्यान में रखना क्योंकि टायर में जो रबर अपन यूज़ कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा वल्कनाइजेशन कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया ठीक है तो बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी उसमें नहीं होता है लेकिन काफ़ी सारे जो रबर के टाइप्स है जो वल्कनाइजेशन बनते हैं उनमें अपन आ, ये यूज़ करते हैं ठीक है ना इलास्टिसिटी होती है उसमें ओके एंड इलास्टिसिटी डिपेंड्स अपॉन द परसेंट ऑफ द क्रॉस लिंकिंग ओके यही मैं बता रहा हूँ तुमको कि जैसे जितना ज़्यादा वल्कनाइजेशन करोगे उतना ज़्यादा उसका इलास्टिसिटी कम रहेगा ओके okay, इत उतना ज़्यादा वो स्ट्रांग रहेगा लेकिन इलास्टिसिटी कम हो जाएगा इसका ओके okay. एग्जांपल्स तुमको ध्यान में रखने हैं इलास्टोमर्स के ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इलास्टोमर्स काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेते कौन सा क्या है ओके okay, कौन सा रबर कौन से टाइप में आता है सो so इसमें जो एग्जाम एग्जाम्पल आ रहा है ब्यूटाडाइन रबर ये अपन देखेंगे आगे क्लोरोप्रीन रबर इसका भी एग्जाम्पल है ही अपने को न्योप्रीन है स्टायरिन है स्टायरिन ब्यूटाडाइन रबर है नाइट्रायल रबर है तो मोस्ट ऑफ द रबर का एग्जाम्पल अपन आगे देखने वाले ही है ओके okay? सो so ये जो नाइट्राइल रबर है ये बनता है ब्यूटाडाइना नकरेलो नाइट्रल से ये इसका सिंथेसिस अपने को आगे देखेंगे अपन नेक्स्ट इज़ फाइबर्स ठीक है इलास्टोमर्स हो गया तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है फाइबर्स की तो बेसिकली इसमें जो पॉलीमरिक चेन्स होते हैं दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ठीक है forces, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहेंगे तो ये ब्रेक नहीं होंगे ओके okay? जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्ड्स या डायपुल डायपुल फोर्सेस है तो इसके वजह से जो कलेक्टिव जो स्ट्रेंथ आता है इन इन स्टैंड uh, का दैट इज़ एक्चुअली वेरी हाई देर पॉलीमरिक चेन्स आर क्लोजली पैक है ना स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है इसके वजह से क्लोज पैकिंग रहेंगी दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है ओके okay, तो फाइबर्स है तो फाइबर लाइक प्रॉपर्टी आएगी टेंसाइल स्ट्रेंथ जरूरी है ओके दे ऑलमोस्ट हैव लाइक अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है शार्प होता है पोलर बॉन्ड्स चाहिए अपने को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स चाहिए इंटरमोलिकुलर इसके वजह से इनमें पोलर ग्रुप ज़्यादा रहेंगे कार्बोनिल और नाइट्राइल ग्रुप इस तरह के ग्रुप इन पॉलीमर में ज़्यादा होते हैं पोलर ग्रुप है तो डायपुल डायपुल इंट्रैक्शनस रहेंगे उसके वजह से बॉन्ड्स कैसे रहेंगे स्ट्रॉन्ग रहेंगे दे आर लॉन्ग थिन एंड हैव थ्रेड लाइक कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है है ना इसीलिए इनको अपन एज अ फाइबर करके कैटेगराइज कर रहे हैं देआर फोर दे आर यूज टू मेक फैब्रिक्स फैब्रिक्स बनाने में काम आता है कुछ जो एग्ज़ाम्पल है इसके नायलॉन सिक्स टर्लिन देर इज़ अनदर वन कॉल एज नायलॉन सिक्स ओके दैट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ दैट सो नायलॉन सिक्स भी है टर्लिन होता है उसी को अपन पॉलिस्टर बोलते हैं पॉलिस्टर के कपड़े बनते हैं ओके okay? सिर्फ कपड़े नहीं बनते काफ़ी सारी चीज़ें बनती है चदरे भी बनती है ओके okay? थोड़ा पॉलिस्टर सिल्क इसको मतलब ना अंबानी ने इसी से तो शुरू किया था पॉलिस्टर से इसका एम्पायर जो बनाया है अंबानी ने इसी से बनाया था पॉलिस्टर से सिल्की अपेरेंस होता है उसका थोड़ा ओके नेक्स्ट अपन देख रहे हैं थर्मोप्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक ये होते कैटेगरी इसमें अगर मैं इसको हीट करूँ ओके okay, तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे ओके okay, सॉफ्ट वैन हीटेड ओके okay, इसको हीट करूंगा तो क्या हो जाएंगे सॉफ्ट हो जाएंगे और कूल cool करूंगा तो ये हार्ड हो जाएंगे ठीक है समझ में सनमैन तो हीट किया तो सॉफ्ट कूल cool किया तो ठंडा कूल uh, cool किया इसको तो हार्ड हो गए तो इसके वजह से देखें तो ये मोल्डेड इन टू एनी शेप ठीक है हॉट करो इसको पोर करो बेसिकली लिक्विड की जैसा पोर कर सकते हो तुम और ये ठंडा हो जाएगा तो इसको किसी भी शेप में अपन कर सकते हैं तो काफ़ी जगह ये यूजफुल है इज़ ए इनमें जो फोर्सेस होते हैं दीज आर ऑल्सो इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट टाइप के फोर्सेस होते हैं मोस्ट केसेज दीज आर एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक टाइप मटेरियल ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉग भी नहीं होता वेट दे आर स्ट्रॉन्ग इंटरमीडिएट जैसे फॉर एग्जाम्पल बकेट वकेट बनाने में ये काम आता है ओके इज अ डेड द पॉलीमरिक चेंस आर यूजअली नॉट क्रॉस लिंक यूजअली क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है क्रॉस लिंकिंग हम इनमें एबसेंट होती है स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होते हैं मतलब इंटरमीडिएट फोर्सेज है लेकिन क्रॉस लिंकिंग नहीं है ओके okay? क्यों नहीं है थोड़ी देर में तुमको पता चलेगा एग्जाम्पल्स होते हैं पोलीथिन पीवीसी वी जो पाइप होते हैं ना पोलीविनल क्लोराइड पीवीसी पाइप जो होते हैं अपने घर के दैट इज़ बेसिकली यूज फॉर पीवीसी काफ़ी पीवीसी के काफ़ी सारे यूज़ है एक यूज़ होता है मेजर यूज इसका पाइप बनाने में कि पाइप ज़्यादा पॉपुलर है इसका ओके देन यह पॉलिस्टायरन टेफलॉन टेफलॉन अपना नॉन स्टिक कुकवेयर में जो यूज़ करते हैं अपन ओके okay? पॉलिस्ट जो होता है बेसिकली स्टायरोफोम के कप्स जो आते थे पहले है ना पार्टीज में जो कप वाले जो आते थे ना प्लास्टिक के स्टायरोफोम के थोड़े जाड़े वाले जो कप आते थे ओके okay, स्पंजी लगते थे बेसिकली वो जो थे दीज आर बेसिकली स्टायरोफोम कप्स ओके ये पॉलीस्टायरिन से बनते हैं बेसिकली ओके पॉलीथीन तो अपने को मालूम ही ऑलरेडी ओके सो दीज आर बेसिकली लीनियर पॉलीमर देर इज़ नो क्रॉस लिंकिंग और इनमें इंटरमीडिएट फोरसेस है थोड़े पोलर ग्रुप्स है इसमें ओके okay, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट क्रॉस लिंकिंग है सॉरी इंटरमीडिएट फोर्सेस है जिसकी वजह से क्या है इंटरमीडिएट फोर्सेस हैं नेक्स्ट जो पॉलीमर होता है दैट इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर ठीक है ना अब डिफरेंस देख लो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है थर्मोप्लास्टिक में क्या हो रहा है देखो उसका नाम ही थर्मोप्लास्टिक है ठीक है ना इसको प्लास्टिक के जैसे यूज़ करेंगे इसको अपन रीयूज कर सकते थर्मोप्लास्टिक को ठीक है कोई थर्मोप्लास्टिक वाला अगर ये है कोई चीज़ है इसको मैं रीहीट करके इसको मेल्ट करके किसी और चीज़ में पोर करके कोई और चीज़ बना सकता हूँ ये प्लास्टिक से ठीक है ना इसीलिए ये प्लास्टिक वाले जो कचरा वाले घूमते हैं और ये प्लास्टिक को जमा करते हैं काफ़ी कंट्रीज़ में देर आर सेपरेट बेसिकली अ सेपरेट कंटेनर ओके सेपरेट डस्टबिन होता है जिसमें प्लास्टिक की चीज़ें डाली जाती है तो ये सॉर्ट आउट करने में दिक्कत नहीं होती उसको अलग तरह से करते हैं ये डेवलप कंट्रीज़ कहते हैं ठीक है, है ना हमारे जैसी कंट्रीज क्या होता है सभी एक ही जगह डंप किया जाता है शॉर्टिंग uh, आउट में तकलीफ होती है इसलिए सॉर्ट आउट नहीं किया जाता है फिर ओके लेट द नेचर डू इट्स जॉब एंड द नेचर एक्चुअली डज इट्स जॉब ऑन अस ठीक है ना ये अभी अपन uh, सहन करने वाले हैं कुछ सालों में तो थर्मोसेटिंग में क्या होता है ठीक है थर्मोसेटिंग को अपन रीयूज नहीं कर सकते थर्मोप्लास्टिक को अपन रियूज़ कर सकते थर्मोसेटिंग को रियूज़ नहीं कर सकते तो क्या होता है कि एट लोअर टेम्परेचर दे आर नॉट क्रॉस लिंक लोअर टेम्परेचर पे क्रॉस लिंक नहीं होते ठीक है दे आर बेसिकली लीनियर होते हैं ओके दे मे बी ब्रांच टू सम एक्सटेंट बट इसमें क्रॉस लिंकिंग नहीं रहेगा अगर मैं इनको हीट करता हूँ तो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग हो जाती है ओके okay? तो जो थ्रेड्स है बेसिकली ये हो जाएंगे क्रॉस लिंक बहुत ज़्यादा जितना ज़्यादा हीट करूँगा उतना ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग बढ़ते जाएगा ठीक है तो इसके वजह से ये चेंजेस हो जाते हैं परमानेंट क्रॉस लिंकिंग हो गई परमानेंट अभी और इसको हम अगर मैं हीट करते जाऊँ तो ये और ज़्यादा क्रॉस लिंक होते जाएगा और ज़्यादा हार्ड होते जाएगा ये डिफॉर्म भी होते जाएगा क्रॉस लिंकिंग की वजह से जितना ज़्यादा हीट करूंगा उतना ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग होगा ठीक है ना तो थर्मोसेटिंग कैन ऑल्सो भी अचीव बाय अ केमिकल प्रोसेस केमिकल प्रोसेस से भी करवा सकते हैं ये इसको अपन सेटिंग हो रहा है क्योंकि ये हार्ड हो गया ना फिक्स हो गया है अभी इसको अभी चेंज नहीं कर सकते कोई भी चेंज नहीं कर सकता ओके okay? इस पॉलीमर को एक बार ये सेट हो गया तो सेट हो गया ओके okay? ये अपन केमिकली भी करवा सकते हैं लेकिन ये जनरली थर्मली ही किया जाता है ये सिंपली हीट टू अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इट बिकम्स क्रॉसलिंग क्रॉसलिंग की वजह से इट बिकम्स वेरी हार्ड ओके okay. एग्जांपल्स देख लो सम टाइप ऑफ वल्कनाइज रबर ओके जैसे मेरे ख्याल से टायर बनाने में जो रबर यूज होते हैं दिज आर क्रॉसलिंग और इसको तुम री नहीं कर सकते ठीक है ना मतलब इसको मेल्ट करके फिर से इसको यूज इसको फिर दूसरी जगह यूज़ किया इसको रोड वोड बिल्डिंग में डाले जाते हैं फिर ये टायर जमा करते हैं जो भी टायर होते हैं बेसिकली ठीक है इनको फिर क्या करते हैं कि इनको क्रश करके इनका पाउडर बनाते हैं और जो सीमेंट के जो रोड बनते हैं या फिर डमर के जो रोड बनते हैं उसमें मिक्स किया जाता है मेरे ख्याल से आ इधर सीमेंट में या उसमें किसी एक चीज़ में मिक्स किया जाता है मेरे ख्याल से सीमेंट के इसमें ही मिक्स करते हैं इसको और उस सीमेंट के इसमें चले जाता है ये ठीक है तो इससे काफ़ी कॉस्ट सेविंग हो जाती है और जो मटेरियल अपन फेंकने वाले थे वो यूज़ भी हो रहा है इसमें सेकेंड होता बेक है बेकलाइट ये इंपॉर्टेंट है बेकलाइट इसका अपन स्ट्रक्चर ही देखने वाले इट्स अ फिनल फॉर्मल रेजिन मतलब फ़िनॉल और फार्मल का पॉलीमर है फिनॉल का स्ट्रक्चर अपने को मालूम है और फॉर्मलट का स्ट्रक्चर अपने को मालूम है इनको मिला के ये पॉलीमर बनता है बेकलाइट ठीक है बहुत ज़्यादा यूज़ में है ओके okay? बेकलाइट हम लोग अभी भी यूज़ करते हैं मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स जो बटना होती है ना अपने घर में स्विचेस जो होते हैं स्विच बोर्ड जो होते हैं ओके दीज आर ऑल मेड फ्रॉम बेकलाइट समझ में आया क्या दिस पेन एक्चुअली इट्स अ बेक लाइट ये इस तरह का आवाज़ आएगा ठीक है ना बेकलाइट का ओके यू थिंक अबाउट दिसक लाइक चार्जर ठीक है न ये चार्जर है okay? ओके ये इस तरह का आई डोंट नो इसका थोड़ा सा लग रहा है मेरे को दिस इज प्रॉब्लम समथिंग लाइक वेरी हार्ड ओके समथिंग लाइक टक टक मेटालिक प्लास्टिक का नॉइज आता है ना तो दैट इज़ बेसिकली जनरली अ बेकलाइट थे ठीक है दिस इज डेफिनेटली अ बेक लाइट ये माउस जो है ओके okay? ये ये डेफिनेटली बेकलाइट है ओके okay? इसका तुम्हारे को नॉइस ही आता है बेसिकली बेकइट का तो घर में जो इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स होते हैं बटन्स होते हैं या सॉकेट्स होते हैं दीज आर ऑल मेड फ्रॉम बेक लाइट और ये कैसा होता है थर्मोसेटिंग होता है इसको तुम भी यूज़ नहीं कर सकते यू रिमेंबर दैट थिंग बेसिकली अगर कभी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो जाए तो तुम्हारा जो सॉकेट है वो हो जाता है जल जाता है वो ब्लैक हो जाता है ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसके वजह से क्रॉस लिंकिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ने से ये मेल्ट नहीं हो रहा है इसमें क्रॉस लिंकिंग बढ़ने की वजह से हार्ड होते जा रहा है और ओके सो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये हार्ड होगा दिस इज़ एक्चुअली गुड वेन यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स मेल्ट ना हो है ना नहीं तो क्या होगा इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स है ओके okay? और वो मेल्ट होके अगर नीचे गिरेगा किसी के ऊपर गिर गया तो जल जाएगा ना बेचारा इज तो ये हार्ड होना ये बहुत अच्छी बात है इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स के लिए इसलिए उसको उसमें यूज़ किए जाते हैं ठीक है सेकेंड इज ड्यूराप्लास्ट विच इज ऑल्सो सिमिलर टू बेकलाइट और ये कार पार्ट्स बनाने में अपन यूज करते हैं तो यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं इसको पॉलीमर्स को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो इफ नॉट देन यू कैन लीव आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास ओके थैंक यू वेरी मच बाय बाय